सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100-350 के ऊपर वीडियो है। आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया कि 100-350 का जो आप बोल सकते हो हेडलम है वो चेंज करने वाला हूँ। GT650 का हेडलम इंस्टॉल होगा इसमें, पूरा प्रॉपर जो GT650 का हेडलम होता है, मतलब आप बोल सकते हो पूरा जो सेट होता है हेडलम का GT650 का वही इंस्टॉल होगा। ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन पार्ट्स होता है उसमें से ही मैं खरीदा हूँ। एंड अगर आप भी ये मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो मेरे शॉप पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर कर लेना। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है का, अगर आप भी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो ये चीज़। अभी आप पूरा वीडियो देखो, देन उसके बाद ही सोच के ऑर्डर करना। चलो कैसा लुक निकल के आता है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, आपको एक बार बाइक का अच्छे से लुक दिखाता हूँ, देन आपके साथ मिलता हूँ गाइस। चलो आप वीडियो देखो। गाइस अभी मेरा बाइक का जो हालत है वो आप देख सकते हो, एंड फ्रंट में आप देख सकते हो स्टॉक वाला हेडलैम्प का जो कवर है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, हेडलैम्प का पूरा सेट ही आप बोल सकते हो स्टॉक इंस्टॉल होकर रखा है। जो हंटा 350 का आता है स्टॉक वाला वही है, आप देख सकते हो, आपको साइड प्रोफाइल वगैरह दिखा देता हूँ। एंड इसमें हैलोजिन बल्ब आता है, लेकिन ये सिम मैं चेंज किया था, ये हेडलैम्प अंदर का जो हेडलैम्प है ये मैं माइनस विद DRL LED हेडलैम्प लगाया था लोकल वाला। सो इसको अभी खोल के पूरा जो ये सेट है GT650 का लगेगा, इधर साइड से इधर तक पूरा मतलब खोल के बाहर निकल आएगा, एंड देन उसके बाद GT650 का इंस्टॉल होगा। एंड इधर साइड का भी गाइस देख सकते हो, ये जो चीज़ है ये भी चेंज होगा, ये भी मैं खरीद के लेके आ गया हूँ, मेरे शॉप पे ही है, सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ कितना कुछ प्राइस है सारी चीज़ बता दूंगा। ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन पार्ट्स होता है उसका ही GT650 का मैं पूरा हेडलैम्प का सेट लिया हूँ, हैलोजिन बल्ब वाला, जो नया वाला है वो नहीं, हैलोजिन बल्ब वाला लिया हूँ। एंड ये भी लिया हूँ रॉयल एनफील्ड से, मतलब बोल सकते हो GT650 का जो होता है इसको पकड़ने के लिए जो क्लिप टाइप, इसमें एक खोल के यहाँ पर रहेगा। सो वो तो मैं शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ क्या कुछ चेंज होगा। अभी एक स्टॉक जो मतलब बोल सकते हो 100-350 का स्टॉक हेडलाइट जैसा होता है वैसा ही है इंडिकेटर वगैरह। सो देखते हैं इसके बाद क्या कुछ चेंजेस होता है, आप वीडियो पूरा अंत तक देखते रहना। अगर ये चीज़ आप कराना चाहते हो GT650 का हैंडल भी मेरे शॉप पे आपको मिल जाएगा, मतलब बोल सकते हो मेरे बाइक पे भी इंस्टॉल होकर रखा है। अगर आप GT650 का हैंडल या फिर हेडलैम्प आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई जो शॉप का मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर शो हो रहा है उसमें कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो। COD अवेलेबल नहीं है, अगर आप पैसा पेमेंट कर दोगे तो भाई माल चला जाएगा 100%। सो ये चीज़ आपको बता दिया हूँ। सो बाइक अभी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, स्टॉक हेडलैम्प में कैसा लग रहा है, लुक कुछ ऐसा है, पीछे से भी एक बार दिखा देता हूँ गाइस आपको, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कैसा लुक लग रहा है। बारिश के टाइम है फिर भी सोचा कि अच्छे से दिखा देता हूँ, बारिश हो रहा है सो क्या ही करूँ, वीडियो तो करना पड़ेगा। एंड आपका सपोर्ट का भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप मतलब आप बोल सकते हो चैनल पे थोड़ा पैर ज़्यादा दिखाओगे, सब्सक्राइब वगैरह करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है, तो उसके बाद जो जो आप बोलोगे भाई इस बाइक में जो मतलब बोल सकते हो ज़्यादा कमेंट आएगा जिसके ऊपर, वो चीज़ का मॉडिफिकेशन का वीडियो आपके पास लेके आ जाऊँगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इस राइडर चैनल पर। सो चलो अभी सीधा मेरे शॉप पर जाके आपके साथ मिलता हूँ गाइस, आपको दिखा दियो एक बार बाहर का लुक बाइक का कैसा है। सो और भी कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हो मेरे को। चलो गाइस थोड़ा सा पैर दिखाओ, सो यही मेरे को ज़रूरत है, नहीं तो मैं पूरा मैं चेंज कर सकता हूँ इस बाइक को, GT का मतलब बोल सकते हो GT650 के द्वारा पूरा चेंज कर सकता हूँ। सो बाय, चलो सीधा शॉप पे जाके मिलता हूँ गाइस। गाइस अभी मैं शॉप पे आ गया हूँ, एंड देख सकते हो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जेन्युइन पार्ट्स बोल के लिखा हुआ है, इसमें ही है जो GT650 का जो टोटल आप बोल सकते हो फुल हेडलैम सेट वो है यहाँ पर, आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ रहता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस हेडलैम असेंबली ब्लैक कलर करके कुछ लिखा हुआ है, MRP इसका है 2100 रुपीज़। इसके साथ और जो दो चीज़ है वो भी लिखा हुआ, पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। सो देखो कैसे आप पैकिंग करके दिया है, मैं पहले एक बार खोल चुका हूँ, सो इसके अंदर है, इसके अंदर भी और एक बॉक्स है, देन उसके अंदर है। सो चलो अब इसको खोल के एक बार आपको गाइस दिखा देता हूँ, आप देख लो कैसा है, कुछ लुक ऐसा है पीछे का, ब्लैक एंड क्रोम ट्रीटमेंट में मैं लिया हूँ ये। अगर आप पूरा क्रोम में लेना चाहते हो तो वो भी है, उसका प्राइस 100 रुपीज़ काम है। अगर ब्लैक एंड क्रोम ट्रीटमेंट में आप लेना चाहते हो तो इसका प्राइस 2100 रुपीज़ पड़ेगा। जेन्युइन रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल GT650 का हेडलैम्प का सेट होता है वही है, इसके अंदर हेडलैम्प भी है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हेडलैम्प है। एंड देन नीचे पर LED पार्किंग लाइट भी इसमें है, इंस्टॉलेशन होके रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ वायरिंग को इसके अंदर बैठना पड़ेगा सही से, हंटर का जो वायरिंग है उसके बाद ही ये प्रॉपर तरीके से
लग पाएगा। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ मैं खरीदा हूँ, देख सकते हो दोनों साइड पे जो इंस्टॉल करने का जो जगह है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसका भी प्राइस आपको बता देता हूँ। गाइस इधर साइड पे लेफ्ट साइड का एरिया पर देख सकते हो रॉयल एनफील्ड ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है, यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर कोड वगैरह कुछ दे रखा है। हेडलैम्प होल्डर RH मतलब राइट साइड का हेडलैम्प होल्डर है, हेडलैम्प को पकड़ के जो रखेगा वही है। GT650 का ओरिजिनल वाला है रॉयल एनफील्ड का, सो देख सकते हो कुछ ऐसा दिखने लायक है। इसमें सिर्फ नट वगैरह लाएगा, सॉरी बोल्ट LN की बोल्ट लाएगा और कुछ भी नहीं लाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर इंस्टॉल होगा, सारा प्रोसेस तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जितना हो पाएगा आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। ये इधर साइड का है, इधर साइड का भी आपको दिखा देता हूँ गाइस, देख सकते हो 403 रुपीज़ इसका प्राइस है। एंड इसका प्राइस है, इसका भी प्राइस सेम है 403 रुपीज़ लगभग, आप बोल सकते हो टोटल मिला के आपको पड़ेगा 2906 रुपीज़ आपको पड़ेगा। अगर आप ये खरीदना चाहते हो, ये चीज़ काटना चाहते हो, पहले आप वीडियो पूरा देखो, आपको अच्छा लगेगा तो आप भाई ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है उस पर कॉल करके बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो चलो अभी सीधा मिलता हूँ मैकेनिक के पास। एंड हाँ, और एक चीज़, ये चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो तो COD भाई अवेलेबल नहीं है, भरोसा कर सकते हो, मेरा खुद का ही शॉप है, एक किसी दूसरे जगह पर जाके मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही शॉप है, थोड़ा भरोसा कर सकते हो। जो जो लोग ऑर्डर किया था सारे लोगों का माल चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सके तो मैं बाद में वीडियो करके भी आपको बताऊंगा कितना लोगों का ऑर्डर किया है। सो चलो अभी सीधा मैकेनिक के पास जाके मिलता हूँ गाइस, बाय। You know I don't play right. Just give me the word, right? You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? You know I don't play right. You know I don't play right. I'm gonna get back when I feel like. Get back when I feel like. You know I don't play right. Just give me the word, right? You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do this. I'm gonna get back when I feel like. Moments later. So guys, अभी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी GT का जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प का फुल सेट वो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ऊपर का पानी भी अभी नहीं उतरा हूँ क्योंकि मैं वीडियो के लिए रखा हूँ भाई, बिल्कुल न्यू जो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स होता है उसमें से ही मैं खरीदा हूँ, ये चीज़ आपको तो दिखा दिया हूँ। अभी बात कर लेते जो आप बोल सकते इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो तो मतलब पहले आपको दिखा दिया हूँ, मैकेनिक के पास क्या कुछ हुआ था लेकिन वो टाइम लैप्स था। अभी आप देख लो, सिर्फ ये इंस्टॉल हुआ है, मैं ब्लैक कलर का जो कवर इंस्टॉल करके रखा था वो खोल के इसको इंस्टॉल किया है। यहाँ पर एक नट लगा है LN की बोल्ट, एंड इधर साइड पे भी सेम है, LN की बोल्ट से लगा है।
एंड इधर साइड पे जो पहले हंटर का जो एलियन की बोल था उसमें से ही पहला वाला हेडलैम्प खोल के उसका जो नट निकल के आया था वही बोल्ट पे एलियन की बोल्ट पे ये हेडलैम्प इंस्टॉल हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है। सिर्फ एक ही काम जम करना था, जो हेडलैम्प के अंदर में जो वायरिंग था पहले वाला जो स्टॉक वाला था उसके कवर के अंदर में वही सिर्फ वायरिंग को इसके अंदर बैठाना पड़ा है सही से। देन हो गया है सारा काम, प्रोसेस जो था सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसको खोलना पड़ा था और कुछ नहीं, सस्पेंशन का जो ऊपर का कवर है उसको खोलना पड़ा था और कुछ भी नहीं खोलना पड़ा था। सो बस ये चीज़ एक बार आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अभी लुक कैसा लग रहा है ये तो आपको सिनेमेटिक शॉट में दिखा दिया हूँ इसके पहले, फिर भी मैं दूर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। वीडियो में आप देख सकते हो इंडिकेटर नहीं इंस्टॉल होकर रखा है, क्योंकि इंडिकेटर जो है गाइस ये भी आपको बता देता हूँ, जो स्टॉक वाला इंडिकेटर था वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था। उसका जो पैच था जहाँ पर से इंडिकेटर इंस्टॉल होता है बैठता है वो छोटा था, इसका थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। दोनों साइड पे आपको दिखा दे रहा हूँ ये इंडिकेटर इंस्टॉल होने का जगह है। सो नहीं हुआ है उसके वजह से कि सोचा बाद में मैं GT650 का इंडिकेटर खरीद के लेके आके वो इंस्टॉल करूँगा। सो बस उसका भी वीडियो आ जाएगा, आप देख लेना। अगर आपको GT650 का जो इंडिकेटर होता है उसके अलावा और कोई दूसरा इंडिकेटर आप रिकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट करके बोल सकते हो। सो वो भी करने के लिए कोशिश करूँगा। सो इंडिकेटर GT का इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल फोन से आपको GT लाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये मैं कल किया था, आज मैं वीडियो कर रहा हूँ, 2-3 बार मैं चक्कर काटा हूँ। सो उसके हिसाब से मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे बंदा मतलब अब बोल सकते हो भाई लोग देख के बोल रहा है ऐसे ही रोड से जो मतलब जाने के टाइम में बोल रहा है कि भाई GT जा रहा है। लेकिन भाई हंटर है सो फ्रंट से बिल्कुल GT लगता है। अगर आप दूर से देखोगे तो इंडिकेटर इंस्टॉल होने के बाद पूरा ही GT आपको लगेगा। सो आपको एक बार क्लोज अप लुक दिखा दे रहा हूँ, दूर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो गाइस। सो बस यही था, ये चीज़ को चेंज किया हूँ। एंड गाइस अभी बात कर लेते हैं, ये चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे शॉप से कैसे लोगे एंड कितना प्राइस पड़ेगा ये चीज़ आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस लगभग पड़ेगा सिर्फ ये जो दोनों चीज़ देख रहे हो सस्पेंशन का जो हेडलैम्प क्लैंप है वो ये दो एंड इसके साथ साथ पूरा सेट ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जो GT650 का होता है सेम अगर आप लेना चाहते हो तो अराउंड 3 के आपको पड़ेगा, मतलब 3000 रुपीज़ आपको पड़ेगा। एंड 200 रुपीज़ पड़ा था इसको फिक्स्ड करने के लिए, आप बोल सकते हो इंस्टॉल करने के लिए। सो टोटल 3200 रुपीज़ में सारा काम डन हो गया है। अगर आप कराना चाहते हो तो मेरे शॉप पर आ सकते हो, कोलकाता के आसपास से अगर बिलोंग करते हो तो, अगर कहीं दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो भाई आप कुरियर भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगा। हाँ COD अवेलेबल नहीं है, आपको पहले पैसा पे करना पड़ेगा देन माल चला जाएगा। एंड इंडिकेटर नहीं, सिर्फ इस तीनों चीज़ का मैं आपको बताया हूँ। अगर इंडिकेटर भी लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GT650 का इंडिकेटर मैं इंस्टॉल करने के बाद आपको वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ आपको कैसा लग रहा है ये GT का पूरा हेडलैम्प का सेट कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा तो भाई कमेंट करके बताना, सारे भाई लोग को बोल रहा हूँ मैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सारा भाई कमेंट करके एक बार बताना कि ये GT के जैसा लग रहा है कि नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है, सारे चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। अच्छा बुरा मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ये तो गया। एंड हाँ, ये जो चीज़ है इसको मैं अभी मतलब दिखने में कैसा लग रहा है रोड पे चलाते हुए वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो ये चीज़ आप देख लो गाइस, चलो अभी चलाते हुए आपको दिखाता हूँ GT650 का हेडलैम्प कैसा लग रहा है। एंड हाँ गाइस, अगर आप की ऑन करोगे तो सिर्फ इसका जो मतलब बोल सकते हेडलैम्प वगैरह सारे चीज़ इसका अंदर ही है। LED पार्किंग लाइट दे रखा है एंड हेडलैम्प दे रखा है हेलोजिन बल्ब वाला। तो इसका जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था बिल्कुल हंटर का जैसा था, सेम ही था, कबलर टू कबलर दोनों ही फिट हो गया, पार्किंग लाइट भी एंड हेडलाइट भी। एंड अगर आप की ऑन करोगे तो भाई देख सकते हो नीचे का LED लैम्प इंस्टॉल LED लैम्प जल रहा है। अभी इस पन्नी को हटा देता हूँ, बिल्कुल न्यू है भाई, आपके लिए ही रखा था। सो आप देख सकते हो हटाने के बाद कैसा लग रहा है गाइस, लुक चेकआउट करो गाइस। आप देख सकते हो अभी पन्नी हटाने के बाद और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो न्यू जो GT होता है हेडलैम्प होता है वैसा ही है सेम, और क्योंकि ओरिजिनल वाला है न्यू ही है। एंड इसमें हेलोजिन जो हेडलैम्प है ये अगर आप स्टार्ट करोगे तो तब जलेगा, आपको दिखा देता हूँ। एंड देन चलाते हुए भी दिखाऊंगा आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस लाइट का व्यू देख सकते हो, ये पासिंग है, ये पासिंग है, आप देख सकते हो।
हुए, कैसा लग रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। कैसा लगा भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हाँ थोड़ा सा भाई पैर दिखाओ, सपोर्ट करो, वीडियो में व्यू उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इतना खर्च कर रहा हूँ उसका तो भाई, उसके लिए थोड़ा बहुत तो भाई मेहनत तो कर रहा हूँ, खर्च भी कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत तो भाई व्यू तो आप दे ही सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो लाइक वगैरह कर सकते हो। जो कोई भी भाई लोग वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। एंड कैसा लगा ये हंटर 350 का हेडलैम्प ये मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना। कुछ भी मॉडिफिकेशन हो तो भाई कमेंट करके बताओ, ज़्यादा कमेंट जिस के ऊपर आएगा वो मैं मॉडिफिकेशन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ गाइस ये जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर किसी आपके दोस्त लोगों के पास ये हंटर है तो भाई ये वीडियो को शेयर करो, शेयर करने के बाद उसको भी पता चलेगा कि भाई हंटर कैसा मॉडिफिकेशन होके रखा है। सो उसके वजह से बोल रहे हो, और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा उसको भी बोलो सब्सक्राइब करके रख दे, मतलब सब्सक्राइब करके रखने के लिए नया नया वीडियो आएगा हंटर के ऊपर, मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो बस यही था। और एक चीज़ गाइस, डानकुनी टोल प्लाजा के पास जो RCB का मीटअप हो रहा है 15 अगस्त को, उसमें मैं जा रहा हूँ। मीटअप मतलब आप बोल सकते हो अवेयरनेस, राइडर अवेयरनेस का कुछ हो रहा है, ठीक है। सो उसमें ही मैं जा रहा हूँ आप बोल सकते हो। सो अगर आप भी इसमें आना चाहते हो, मतलब वहाँ पर आना चाहते हो तो भाई आना, एंड आने के बाद मैं जा रहा हूँ खुद हंटर 350 को लेके। सो अगर आपको भी ये मॉडिफिकेशन वगैरह देखना है तो भाई वहाँ पर जाके आप देख सकते हो एंड मेरे साथ भी मिल सकते हो। सो चलो थोड़ा बहुत बातचीत होगा। सो ये चीज़ आपको बता दिया हूँ, अगर आप आना चाहते हो तो भाई 15 अगस्त पे आ जाना। 15 अगस्त को RCB का जो आप बोल सकते हो मीटअप पॉइंट है डानकुनी टोल प्लाजा के पास। सो 952 करके कुछ होटल है उसके साइड पे ही। सो वहाँ पर आ सकते हो, बातचीत हो जाएगा एंड बाइक भी आप देख सकते हो। सो अगर आना चाहते हो तो आना। 7 बजे निकल जाऊँगा लगभग, बोल सकते हो 1 बजे के आसपास वहाँ पर रहूँगा, देन उसके बाद सीधा घर पर चला आऊँगा। सो उसके अंदर अगर आप आओगे तो भाई मिलना जरूर मेरे साथ। एंड हाँ गाइस, रोड पे है ये हंटर, मतलब बोल सकते हो मेरा जो हंटर है इसको अगर कई जगह पर आप देखोगे तो भाई रुक के जरूर मिलना मेरे साथ। सो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई तो लोग बोल सकते हो पहचान रहा है। सो उसके वजह से बोल रहा हूँ मेरे साथ या फिर मेरे बाइक के साथ मीट करना चाहते हो तो भाई रोड पे कहीं पर भी अगर देखने को मिले ये हंटर 350 या फिर मैं, तो भाई जरूर मिलना, मेरे को अच्छा लगेगा, ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ एक बार। एंड ये तो बाइक के लिए तो भाई एक बार मिलना ही पड़ेगा आपको, अगर आप देखोगे तो भाई जरूर मेरे को बताना कि भाई इस राइडर चैनल पे आपको देखा था, आपका बाइक भी देखा था। सो वो आप बोल सकते हो, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मिलोगे तो। 15 अगस्त मैं जा रहा हूँ। सो कोलकाता के आसपास से अगर बिलोंग करते हो तो भाई अगर आ रहे हो RCB में तो आप जरूर मिलना, डेफिनेटली मिलना। एंड अगर आप कोलकाता के आसपास से हो फिर भी आप मिल सकते हो मेरे साथ। सो भाई आपके साथ एक बार शेयर कर दिया हूँ। चलो यह बारी इस वीडियो का भी एंड करो, बाय, मिलते हैं ऐसी किसी बारी या वीडियो लेकर आपके साथ। सो बाय, हैव ए गुड डे गाइस, बाय।